इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा के दूसरे लेक्चर में हम लोग .m फाइल एक्सटेंशन के साथ काम करना सीखेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने .mat फाइल के साथ काम किया था, तो इसमें हम .m फाइल के साथ काम करना सीखेंगे। पहले वाले पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि .m फाइल क्या होता है। इसे स्क्रिप्ट फाइल भी कहा जाता है। आपको स्क्रिप्ट फाइल बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पर है न्यू स्क्रिप्ट। न्यू स्क्रिप्ट पर क्लिक किया मैंने, तो ये आपका आ गया एडिटर विंडो। इसमें आपको एक स्क्रिप्ट फाइल बनानी है और उसे सेव करना है, जो भी फाइल का नाम होगा और एक्सटेंशन विथ .m। तो ऐसा फाइल मैं पहले ही बना चुका हूँ, ये है हमारा .mtemp.m फाइल। देखिए इसे मैंने क्या बनाया हुआ है। ओपन हो रहा है, ये है हमारा एडिटर विंडो, मैंने बना के रखा हुआ पहले से। मैंने क्या बनाया, सीरियल नंबर 1 से 12 तक, ठीक है। उसके बाद मैंने मंथ का नाम दिया है, क्योंकि मंथ का नाम आपका कैरेक्टर में होगा, इसलिए कैरेक्टर में लिखा हुआ है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। और हर एक मंथ में जो टेम्परेचर है वो नोट किया हुआ है यहाँ पर, कि टेम्परेचर मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए ठीक है, ये आपका स्क्रिप्ट फाइल है, मैं इसे फिर से सेव कर देता हूँ। हाँ, ध्यान रहे आपको सेव करना है .m के साथ, .m एक्सटेंशन के साथ। तो ये आपका सेव हो चुका है, आप इसे क्लोज कर दीजिए। .mtemp.m नाम की फाइल है जो हमने डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है, ये रही वो फाइल temp.m। ओके ठीक है, तो हमारा ये फाइल जो है वो .m की है। अब हमें इस फाइल को क्या करना है, लोड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क स्पेस में भी कुछ नहीं है, कमांड में भी कुछ नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, आपको पहले पता है स्क्रिप्ट फाइल के साथ कैसे काम करना है, सिर्फ फाइल का नाम टाइप करना है। यहाँ पर फाइल का नाम है हमारा टेम्प। तो हमारा ये सारा का सारा डेटा लोड हो गया वर्क स्पेस में, मंथ, सीरियल नंबर, टेम्परेचर, क्या क्या है इसका। अब क्या क्या फाइल है इसमें, वो मैं क्या क्या डेटा इसमें खुद से आप पता कर सकते हैं। WHOS, तो मंथ है, सीरियल नंबर है और टेम्परेचर है आपका वो। ओके ठीक है, अब हमारा जो टेम्प फाइल के अंदर जो भी डेटा है, मंथ है, सीरियल नंबर और टेम्परेचर, आप कुछ भी इसमें शो करना चाहते हैं। जैसे कि मैं शो करना चाहता हूँ मंथ, MONTH, एरर यूजिंग मंथ, प्लीज एंटर डी। वो मंथ जो हमारा वो कैपिटल में लिखा हुआ MONTH से केस सेंसिटिव है, तो हम आपको ये दिखाएगा कि मंथ जो है इसे वो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है। ठीक है, टेम्परेचर आपको दिखाना, तो टेम्परेचर भी आप टाइप कीजिए TEMPR, टेम्परेचर। तो कौन कौन से मंथ में कितना टेम्परेचर था ये उसने शो किया वो। आप सीरियल नंबर भी टाइप कीजिए SN। ओके, कैपिटल में है सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यूजिंग अ स्क्रिप्ट फाइल में हमने डाटा को लोड किया, सेव किया, उसके बाद क्लियर करके फिर से हमने लोड करके उसे देखा कि उसके अंदर कौन कौन से डाटा है, मंथ है, सीरियल नंबर है, टेम्परेचर है आपका। ओके ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग .xls फाइल के साथ, MS Excel फाइल में जो डाटा हम सेव करेंगे उसके साथ हम काम करना सीखेंगे। ओके थैंक यू।